ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। बोले अंतर क्या है इनमें? तो इस अंतर को मैं एक दृष्टांत के माध्यम से समझाता हूं आपको। एक बार पांडवों के हृदय में राजसूय यज्ञ करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने नारद जी को द्वारिकापुरी भेजा, क्योंकि भगवान के बिना वो कोई काम ही नहीं करते। तो नारद जी पहुंचे जब द्वारिका नगरी में, तो द्वारिका की सभा लगी हुई थी और नारद जी महाराज आकाश मार्ग से आए। अब नारद जी का तेज तो अधिक है ही, तो जब नारद जी आकाश में थे तो वो एक तेज पुंज दिखाई पड़ा यदुवंशियों को। यदुवंशियों ने कहा, लगता है भगवान सूर्य नारायण अथवा साक्षात अग्नि देव आ रहे हैं। लेकिन जब थोड़े नीचे और आए नारद जी, तो एक मुनि की आकृति दिखाई पड़ी उसमें। बोले लगता है कोई ब्रह्मर्षि आ रहे हैं, उनका तेज है ये। और जब नीचे उतर गए, बोले अरे ये तो अपने नारद जी ही हैं। तो मुख्य प्रयोजन क्या है, इससे क्या शिक्षा मिलती है? ब्रह्म कौन है? जब नारद जी दूर थे, ज्योति रूप में दिखाई पड़ रहे थे, तो ऐसे ही जीव से जब भगवान दूर रहते हैं और ज्योति रूप में योगी जन उनका दर्शन करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी उनका दर्शन करते, वही ब्रह्म कहलाते हैं। थोड़े और नजदीक वो आ जाते हैं, एक आकृति दिख जाती है, तो योगी जन जो होते हैं योग के माध्यम से उन परमात्मा का ध्यान करते हैं। और वही भगवान जब रामावतार कृष्णावतार लेकर के आ जाते हैं, तो फिर उन्हीं भगवान इतने सुलभ हो जाते हैं वो भगवान, कि वो भगवान ब्रज गोप ग्वालों के लिए घोड़े बन जाते हैं। ब्रज के गोप ग्वाल उनको घोड़ा बना के उनके ऊपर घूमते हैं। इतने सहज हो जाते हैं कि जो परम बलशाली हैं भगवान। जाके बल से बली भये बड़े बड़े शूरवीर, जाके बल से बली भये बड़े बड़े शूरवीर, वा बलि को पटकत रहे ब्रज के जे अहीर। जिन भगवान के बल से समस्त जगत में सब लोग बलशाली बन रहे हैं, उन बलशाली भगवान को ये गोप ग्वाल रोज पटकते रहते हैं। तो सुलभता किस रूप में प्राप्त होती है? जब वो भगवान रूप में आते हैं, जब वो परमात्मा भगवान रूप में आ जाते हैं, तो यही परमात्मा ब्रह्म और भगवान कहे गए हैं। Thank you.